हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं मनी मैनेजमेंट को लेकर, और ये मेरी पहली वीडियो है, नॉन एडिटिंग वीडियो है दोस्तों। अगर कुछ गलती भी होती है उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मनी मैनेजमेंट को लेकर। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आप लोगों से सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। मनी मैनेजमेंट हर कोई करता है, और ये आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो नई नई जॉब पर लगे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो और चाहे वो प्राइवेट जॉब हो दोस्तों। जब हम 5 साल बाद या 10 साल के बाद अपने आप को देखते हैं, अदर लोगों से कंपेयर करते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, काश हम कर लेते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। काश हम कर लेते, ये काश शब्द हर इंसान की लाइफ के अंदर आता है। काश शब्द ना आए आपकी जिंदगी के अंदर, उससे पहले आप लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग बदलना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा दोस्तों। हम एक छोटा सा मोबाइल रखते हैं, उस मोबाइल को हर महीने अपडेट कर लेते हैं, परंतु अपने आप को कभी भी अपडेट नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी अभी गवर्नमेंट जॉब पे या प्राइवेट जॉब पर लगे हुए हैं। अगर आप अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल, इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। छोटी सी वीडियो है, और ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को यहां पर बहुत कुछ सिखाने वाली है दोस्तों। टॉपिक है हमारा मनी मैनेजमेंट। जब भी हम जॉब पे लगते हैं या जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या होता है। और एक टाइम के बाद हमें याद आता कि काश हम पैसा जमा कर लेते, या हम पैसा जमा करते हैं जब भी हम जॉब पे लगते हैं या हमारा बिजनेस कोई करते हैं, वो लोग जो हमें कभी चाहते भी नहीं थे, वो आपको कॉल करके आएंगे, यार गुड, आप जॉब पे लगे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बातें कर करके आप लोगों को अपने फील्ड के अंदर जो वो काम लेके आते हैं, वो एक ही कंसेप्ट लेके आते हैं कि आप पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, और आप अपना दोस्त समझ के, अपना रिश्तेदार समझ के, उसके ऊपर बिलीव करके अपना पैसा उसके हैंडओवर कर देते हैं। वो पैसा कहाँ लगाता है आपको कुछ नहीं पता होता, और यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। आप लोग बोलते हैं, आप लोगों के माइंड में एक बात आ जाती है कि हाँ, मेरा पैसा तो इन्वेस्ट हो चुका है, परंतु वो रियल में आपका पैसा नहीं है दोस्तों। वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई और है। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि वो जब पैसा आप लोगों को मिलेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 3 तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, परंतु तीसरा जो तरीका है उसको कोई भी अपनाता नहीं है। हम पहले 2 तरीके अपनाते हैं कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बस। पहला तरीका है दोस्तों, यहां पर मैंने 3 कैटेगरी के अंदर यहां पर बांट दिया है। पहली कैटेगरी है लूजिंग मनी। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और मेरा यह मानना है कि 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो अपना पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, परंतु अपना पैसा कहीं ना कहीं वो लूज करते हैं, खो देते हैं, बर्बाद कर देते हैं अपने पैसे को। क्यों कर देते हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पहला हमारा है लूजिंग मनी। आप आज जॉब के अंदर हैं, आज आपकी पहली साल है जॉब के अंदर, आपने 5,000 रुपये महीना या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया आपने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं वो आपके पास आते हैं और आप लोगों को अश्योर करते हैं कि आपको 15 साल के बाद, आपको 20 साल के बाद, आपको 25 साल के बाद 3x, 4x,
2x पैसा मिलेगा, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका डबल ट्रिपल रिटर्न आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। और आप लोग कभी भी उससे ये बात नहीं करते कि हमें जो पैसा मिलेगा वो किस इंटरेस्ट पे मिलेगा, हमारा जो पैसा लगा है वो किस इंटरेस्ट के ऊपर लगा है दोस्तों। और आप लोग बस एक माइंड में आपके एक बात बैठ जाती है कि मैं 15 साल के अंदर 6 लाख रुपए दूंगा और मेरे को 12 लाख रुपया 15 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 3x तक वहाँ पर पैसा मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। परंतु कभी आप लोगों ने सोचा है कि आज जो पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपका लूज हुआ है कहीं ना कहीं, जीरो? क्योंकि दोस्तों आज आप देखिए 5 से 10 साल पहले पीछे जाइएगा, आप लोग किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस देखिएगा, आप लोगों ने 20 साल के बाद पैसा कितना लिया, 2x या 3x, ज्यादा से ज्यादा 3x दोस्तों। परंतु पिछला जो आप हिसाब देखते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखिए, यहां तक कि पेट्रोल के भाव देखिए, आप जो किराना का सामान है उसके भाव देखिए, उनका प्राइस जो हुआ है दोस्तों 5 गुना 6 गुना, यहां तक कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनका प्राइस 10x तक बढ़ चुका है दोस्तों। और आपने पैसा कितना लिया 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, 2x और 3x। तो आप लोगों ने अपने पैसे को जीरो किया है, न कि आप लोगों ने अपने पैसे को वहां पर बढ़ाया है दोस्तों। इंश्योरेंस की बात आती है, इंश्योरेंस जो हम करते हैं वो इंश्योरेंस नहीं है, वो आपके पैसे को जीरो करता है, वो कंपनियां पैसा लेके चली जाती हैं, वो एजेंट आप लोगों का पैसा लेके चला जाता है, परंतु आपके पास कुछ भी हाथ नहीं लगता दोस्तों। अगर आपने इंश्योरेंस करना ही है तो आप टर्म इंश्योरेंस करिए, आप मेडिकल इंश्योरेंस करिए, वो है रियल इंश्योरेंस जो आपके परिवार के लिए आप लोग करवाते हैं। तो कभी भी आप इंश्योरेंस के अंदर पैसा मत लगाइएगा, अगर इंश्योरेंस लेना है तो टर्म प्लान ले लीजिए। आज आप जॉब पे हैं, आपकी उम्र अगर 20 साल 22 साल की है तो आप यकीन नहीं करोगे कि आप लोगों को केवल 1000 रुपये पर मंथ में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस लो, इसको जो नॉर्मल इंश्योरेंस है उसको जिंदगी में कभी भी मत लेना दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने कभी भी इंश्योरेंस के अंदर पैसा नहीं लगाना है। मेन है आपका टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, ये और ये, इसमें कभी भी आप लोगों ने पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों सेविंग मनी। जब भी हम जॉब पे लगते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारी इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो हम साथ के साथ में इंश्योरेंस तो बाई करते ही करते हैं और एक सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेविंग क्यों करते हैं, वही बात आती है फ्यूचर प्लानिंग के लिए दोस्तों। सेविंग बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, परंतु सेविंग भी अगर हम अच्छे कंसेप्ट के अंदर, जैसे कि FD करते हैं, RD करते हैं या PPF करते हैं, इन्हीं के अंदर करना चाहिए हमें, किसी भी कंसेप्ट के अंदर या अदर कंपनी के अंदर ऐसी जगह पैसा मत लगाओ। मेरा ये मानना है ना कभी FD करवानी चाहिए ना कभी RD, आप प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा डालिएगा दोस्तों। यहां पर जो आपका रिटर्न मिलेगा लगभग 7% रिटर्न आप लोगों को यहां पर मिलेगा, परंतु जहां पर हमने पैसा लूज किया है यहां पर आप लोगों को ना प्रॉफिट होगा ना आपका पैसा लूज होगा, ना प्रॉफिट ना लूज, मतलब आप इक्वल हो। तो ये भी आप लोगों के लिए वैसे काम की चीज नहीं है। सेविंग मनी जो हम FD करवाते हैं, RD करवाते हैं, FD करवाते हैं, ये भी आप लोगों के लिए काम की चीज नहीं है दोस्तों। परंतु ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बात मैं लास्ट में बताऊंगा, एक बात मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए जो सेविंग हम करते हैं वो किसी टारगेट बेस को लेकर करते हैं। टारगेट का मतलब ये है कि मैंने 15 साल के बाद अपने लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, 20 साल के बाद या 15 साल के बाद 20 साल के बाद शादी करनी है, या उसकी पढ़ाई के लिए उसको विदेश में भेजना है, या उसको कोई
एमबीबीएस करवानी है, मतलब मेडिकल या उसके शादी के खर्चे, यही दो तीन बातें हमारे मायने में आती है कि हम उसके लिए सेविंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा फंडा है दोस्तों पीपीएफ। पीपीएफ के अंदर पैसा अगर आप डालते हो, अगर आप यहां पर 15 साल के बाद भी पैसा लगाते हैं, सॉरी निकालते हैं, तो आपको जो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपकी टोटल प्रॉफिट यहां पर है, वो बिना टैक्स के आप लोग यहां पर लेने वाले हैं। तो प्लस पॉइंट ये है। और एक एक टारगेट सेविंग है यहां पर, ना आपका पैसा बढ़ेगा और ना आपका पैसा घटेगा। जो महंगाई दर अभी चल रही है कंटिन्यू, वही अगर 15 साल के बाद भी वही रहती है, और इतना ही फर्क पड़ता है महंगाई दर में और सेविंग मनी के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा दोस्तों, परंतु अभी भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे आप अपनी रिटायरमेंट के बाद। हाँ, इसके अंदर एक एनपीएस भी ले सकते हो आप, एनपीएस भी ले सकते हो इसके अंदर, परंतु अभी भी हम जो चाहते हैं वो पैसा अभी भी नहीं बना पाए हैं, क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपके बच्चों पे, चाहे उनकी शादी का खर्चा हो, चाहे उनका एजुकेशन का खर्चा हो, वहां पर आप लोगों का पूरा चला जाता है दोस्तों। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने भी तो बुढ़ापा को काटना है, तो उस बुढ़ापे के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर और भी आपकी इच्छाएं हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या करना है। अब सबसे लास्ट में आता है दोस्तों इन्वेस्टिंग मनी। ये इससे सब डरते हैं, सब इस इन्वेस्टिंग मनी से डरते हैं कि मैं क्यों इन कंपनियों में पैसा लगाऊं, क्योंकि हर जगह एक माइंड में होता है कि वहां पर मेरा पैसा डूब जाएगा। इन्वेस्टिंग मनी दोस्तों, मैं कहीं आप लोगों को चीट फंड कंपनियों के नहीं बोलता, मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप गोल्ड में पैसा लगाइए, गोल्ड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट में करिए। म्यूचुअल फंड की सिर्फ यहां पर आप लोग लगा सकते हैं, निफ्टी में पैसा डाल सकते हैं। ये सिप क्या है, SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों, यानी आप एक तरीके से बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड। आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, हर जगह म्यूचुअल फंड की एड आती है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जहां पर आपका पैसा काम पे लगता है। यहां तो आपका पैसा लूज हुआ, यहां पर आपका पैसा ऐसा का ऐसा है, मतलब आज 15 साल के बाद जो पैसा हम निकालेंगे उसकी वैल्यू सेम जो आज मान के चलिए, मतलब वो ना आपका लॉस है ना आपका प्रॉफिट है, परंतु एक वो अच्छी सेविंग है, क्योंकि आपने एक टारगेट था बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए, वो एक टारगेट था, और ये सेविंग भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की। तो यहां पर आपने अपने पैसे को काम पे लगाया है, और जब आपका पैसा काम पे लग जाता है तो वहां से आप लोगों को पैसे से पैसा बनता है दोस्तों। कैसे काम पे लगेगा, यहां पे आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जब आपने अपना पैसा लगाया, काम पे का मतलब ये है कि आपने कोई फैक्ट्री खोल ली, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 10 इंप्लॉई लगाए, 10 इंप्लॉई को आप सैलरी देते हो 10,000 रुपए की, वो आपको कितना पैसा देंगे, तभी तो आप उसको 10,000 रुपए दोगे ना। जब आपको 20,000-30,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे तभी तो आप उसको सैलरी दे पाओगे। तो उससे क्या हुआ कि आपने जो 10 इंप्लॉई आपने अपने ऑफिस के अंदर लगाए वो काम पे लगाए हैं। और इसी तरह अगर आप अपने पैसे को काम पे लगाते हो या लगाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है दोस्तों। और आजकल म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना मेरी जरूरत है। आप किसी भी ऑनलाइन वॉलेट के ऊपर जाइए, वहां पर म्यूचुअल फंड बाई कर लीजिए। मिनिमम 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न कितना देता है। म्यूचुअल फंड अगर आप करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा। और ये वीडियो जो मैंने आज आप लोगों के लिए दी है कि जो नए युवा हैं, जो आज या एक दो साल पहले जॉब पे लगे हैं, वो अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो दोस्तों जब वो रिटायरमेंट होंगे या 15-20 साल के बाद अपनी जॉब को छोड़ के रिटायरमेंट लेंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट यहां पर लेकर जाने वाले हैं, जो ना तो सेविंग मनी दे सकता है आपको, या तो आपका लॉस ही लॉस है, यहां से ही पैसा बनाया जा सकता है।
अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, आप खुद भी कैलकुलेट कैलकुलेट करिएगा उसको। अगर आप 5,000 रुपया मंथली म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं और यहां पर 15% का रिटर्न आप लोगों को मिलता है, और मिनिमम बोलते हैं छोटा सा एक कहावत है मरे से मरा, रिटर्न भी यहां पर आपको 15% मिलता है, तो दोस्तों 20 साल के बाद आप लोगों का पैसा 75 लाख हो जाता है। और यही कंटिन्यू अगर आप 40 साल तक करते हो तो आप यकीन नहीं करते कर सकते कि आपका पैसा कितना बनने वाला है। दोस्तों आपका पैसा 40 साल के बाद 15 करोड़, 15 करोड़ अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। दोस्तों अगर आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं 40 साल तक, तब भी 100 रुपये की वैल्यू आज के 40 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया बनती है। और ये पावर है म्यूचुअल फंड की दोस्तों, ना आपको कभी सेविंग दे सकती है, ना FD, ना RD, ना PPF, ना NPS, और ना कभी आपको इंश्योरेंस दे सकता है। टर्म प्लान लो, मेडिकल इंश्योरेंस लो, सेविंग जरूर करो, परंतु उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाओ। दोस्तों मैंने एक बात आप लोगों को बोली थी कि मैं सेविंग के बारे में एक लास्ट में बात बोलूंगा। दोस्तों सेविंग क्यों जरूरी है, 2020 के अंदर कोरोना आया, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि अगर आपको, जैसे मैंने यहां पर बताया, सेविंग मनी के अंदर एक टारगेट बेस होता है कि मेरा एक टारगेट है 15 साल के बाद मैंने ये काम करना है, रिटायरमेंट के बाद मुझे ये काम करना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की बड़ी एजुकेशन हायर एजुकेशन करवानी है, तो वो है आपका टारगेट। और 15 साल के बाद अगर आप पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हो, 15 साल के बाद कोई ऐसी महामारी आ जाए जैसा कोरोना के टाइम पे हुआ था, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पूरी मार्केट डाउन हो, तब आपका लॉस है। परंतु ये माइंड में रखना कि लॉस तब भी नहीं है, वो कुछ टाइम तक का लॉस है आप लोगों का, फिर वो मार्केट रिकवर होगी। दोस्तों कभी भी शेयर मार्केट आपको ऐसे जाती नहीं दिखाई देगी, हमेशा ऐसे ये ग्राफ रहता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर ये एक नेगेटिव पॉइंट है बस, और इसके सभी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है दोस्तों, केवल एडवांटेज ही हैं। बस एक नुकसान जो मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग टर्म के बाद अगर आपको का जो टारगेट है उस टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तब आपका पैसा, आप उस टाइम पे उस पैसे का यूज नहीं कर सकते, वो पैसा हो सकता है आपका थोड़ा सा डाउन हो, परंतु एक टाइम पीरियड के बाद आप लोगों का पैसा वापिस उसी सिचुएशन में, उसी स्थिति में पहुंच जाएगा दोस्तों, उसी पोजीशन में वो पैसा आ जाएगा। तो ये था आपका पैसा, आप लोगों ने कहां पर इन्वेस्ट करना है ये वीडियो। फिर लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, उन युवाओं के लिए थी, उन दोस्तों के लिए, उन मेरे भाइयों के लिए थी, उन बहनों जिन्होंने अपने कैरियर की अभी शुरुआत की है। दोस्तों अब एक नई वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी जो सैलरी है उसका जो परसेंटेज है, कितना हम सेविंग में करें, कितना हम इन्वेस्टिंग मनी के अंदर करें, और कितना हम यहाँ पर करें, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। हम एक कैलकुलेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों सेविंग बहुत ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें अभी ऐसा लगता है कि नहीं पैसा ज़रूरी नहीं है, परंतु पैसा ही बहुत कुछ है दोस्तों, सब कुछ ही पैसा है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत मायने रखेगा ये पैसा आप लोगों के लिए, ये छोटी छोटी सेविंग बहुत मायने रखती है दोस्तों, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और ऐसे ही एक छोटी छोटी सेविंग आप लोगों की बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया दोस्तों, क्योंकि मैंने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और बहुत लेट हम हुए हैं, परंतु बोलते हैं कि लेट कभी भी इंसान नहीं होता, जब जागे जब सवेरा होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को आज मैंने पहली वीडियो दी है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अभी तक आपकी सर्विस कितनी हो चुकी है। थैंक यू।